हेलो सर, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शोभा। सर, आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूं यहां पे डबल 18 बेस। बेसिकली दोस्तों आप सभी की डिमांड थी कि भैया हमें क्वांटिटी में दिखाइए, प्लस हमें ऐसे बेस दिखाइए जो कि यहां पे कंपटीशन टाइप के लिए हो, हैवी वॉटेज में भी मिले, और यहां पे पूरी फिटिंग दिखाइए उसके लिए, यानी कैसे हम फिट करें, या अगर आप खुद भी फिट करना चाहते हैं तो बारीक बारीक डिटेल में लेके जाइए। तो यस दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है वो हल्की हल्की से डिटेलिंग पे भी मैं काम करने वाला हूँ, प्लस दोस्तों यहाँ पे फिटिंग से लेके हर एक बोल्ट तक मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ वो भी डिटेल देने वाला हूँ। ओवरऑल दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल वीडियो होने वाली है, लेकिन दोस्तों उससे भी ज़्यादा मज़ा इस वीडियो में टेस्टिंग पे आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग में मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे ओपन ग्राउंड ले रखा है, तो वहाँ पे जाके आपको जो है वो टेस्टिंग दिखाऊंगा, और यहाँ पे ये टोटल 4 बेस हैं जो कि चला के दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा आप सभी को। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों यार वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को शुरू करने से पहले मज़ा आपको बहुत आएगा, एंड तक बने रहना। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस, जैसे कि कैबिनेट है, अभी कैबिनेट अगर आती है खाली, अगर आप कैबिनेट ले रहे हैं तो कुछ इस टाइप की जो है होती है पैकिंग आती है। कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास एक एक स्टेप तक जो है वो पहुँच पाए, और आपके जो क्वेश्चन से फिटिंग से पहले नहीं, जो मैं फिटिंग्स यहाँ पे कर रहा था उनके जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पे लेके आया हूँ, और सॉल्यूशन लेके आया हूँ, और कुछ यहाँ पे तरीके जो कि यहाँ पे पूछते थे कि एलिंकी बोल्ट्स को कैसे फिट कराया जाता है जो कि हम कैबिनेट्स में लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हैंडल इसमें से हटवा दिया है, इसमें से मैंने एलिंकी बोल्ट हटवा दिया है। मैंने बोला कि नहीं, मैं लगाऊंगा, आप लोगों को दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं हमारे इस कैबिनेट को। तो दोस्तों कैबिनेट जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, और कैबिनेट के अंदर सबसे पहले मैं दोस्तों आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा। अभी ये कैबिनेट पेंट हो चुका है, इसमें सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये 50% अभी भी कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए उसके बारे में पॉइंट्स में सबसे पहले डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्वालिटी यहाँ पे पेंट इसका वो दिखाना चाहूँगा, और हैंडल्स भी मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाता हूँ। चलिए आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल के टोटल यहाँ पे 2 हैंडल प्लस 2 कैप्सूल हैंडल, इसे जो हम हाथ वाले कहते हैं, अगर आप कैबिनेट वाले के पास जा रहे हैं बनवाने, और कोई ज़बरदस्ती नहीं रहती है कि आप यहाँ से लें। मैं बस आपको पूरी डिटेल यहाँ पे बता दूंगा, आपके पास जानकारी पहुँच जाए सही तरीके से। इन्हें कहते हैं कैप्सूल हैंडल, आप इसमें अपनी साइज से जो है वो कैप्सूल हैंडल्स को कटवा सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे लोहे का, या फिर प्लास्टिक का, या फिर आप इसमें लकड़ी वाला, जो कि इसी बोर्ड में इनबिल्ट रहता है, कोशिश ये करें कि लकड़ी वाला करवाइए, लेकिन कहीं कहीं फिनिशिंग के लिए, कुछ लुकिंग वाइज के लिए यहाँ पे प्लास्टिक का ही यूज करा जाता है ज्यादा, तो यहाँ पे ये प्लास्टिक वाला हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए, इसका आ जाता है बैक प्लेट, जो कि गहरी वाली हम बैक प्लेट कहते हैं। ऑलरेडी इसमें वायरिंग करके फिनिश्ड कर चुका हूँ, और वायर की क्वालिटी की बात करूँ तो 2.5 mm वायर हम इस पर यूज कर रहे हैं, और स्पीकर भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल करके। तो ये हो जाता है, ये इसका बैक प्लेट हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। गहरी वाली बैक प्लेट आप ले सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हैं कि स्पीकॉन्स जो है वो मैं लकड़ी में ही करवाऊँ तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक लुक जो आता है वो यहाँ पे गहरी वाली प्लेट के साथ में अच्छा हमें देखने को मिलता है। बात करता हूँ यहाँ पे अगर इसके नीचे की क्वालिटी, तो ये फिनिश्ड है, ये बेसिकली अभी मैंने इसको कवर अप करा हुआ है, तो ये नीचे से प्लेन रहता है, इस पर पुट्टी होती है, ये बेसिकली पुट्टी होती है ताकि पानी या फिर कोई डस्ट हो या फिर कोई ऐसा रगड़ वगड़ उससे बचा रहे, तो ये सिंपल यहाँ पे नीचे प्लेन होता है, लेकिन ऊपर जो होते हैं वो दाने होते हैं। आप दाने की यहाँ पे क्वालिटी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो दाने की क्वालिटी है वो आपको कैसी देखने को मिल जाती है। ये ओवरऑल काफ़ी मैंने सोचा कि नहीं, इस पर मैटी थोड़ा सा करवाया जाए, तो ये शाइन की जगह यहाँ पर मैटी पेंट हो रखा है, ये मैट पेंट है, मैट यानी मैट जो है वो दाना है। अभी आपको मे भी हो सकता है ये हल्का फुल्का शाइन, क्योंकि बाहर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाइट आ रही है, तो ओवरऑल ये हो जाता है। और ठीक है ना दोस्तों, तो ये कैबिनेट अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, एल पत्ती के बाद जो कि इसका बाकी का काम है। आइए अंदर आइए, और वहाँ आप कोने पर देखिए, देख सकते हैं ये जो आपका बटन लॉक होता है उसका भी यहाँ पे ये काम करा गया है कोनों कोनों पे। एल पत्ती में बेसिकली यहाँ पे दो दो स्क्रू जो होते हैं वो यहाँ पे लगाए जाते हैं, बाहर से इसका जो एलिंकी बोल्ट होता है वो टाइट करा जाता है, ताकि जो जॉइंट्स हैं वो आपके मजबूत रहे। और इसके अंदर दोस्तों मैंने इस कैबिनेट के अंदर खास करके, क्योंकि स्पीकर इतने भारी हैं, तो इस कैबिनेट में मैंने कंघी वाला काम करवाया हुआ है। हो सकता है कि क्लिप मैं आपको यहाँ पर डाल दूँ, तो क्लिप आप देख सकते हैं कंघी वाला, प्लस इसमें थोड़े से जो है वो जिप्सन पेज का भी यूज़ करा गया है, और यहाँ पे कील्स का भी इसके अंदर यूज़ करा गया है। चलते हैं यहाँ पे, अभी इसका जो हैंडल है, इसका जो एलिंकी बोल्ट्स का जो काम होने वाला है, स्पीकर कौन सा है
वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आपने कैबिनेट की क्वालिटी देखी और यहाँ पे जैसे कि बताया, एक क्वेश्चन हमारे भाई का ये रहता था कि ये जो एलन की बोल्ट्स होते हैं, ये जो कोने पे लगते हैं, ये कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अंदर की क्वालिटी दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे अभी मैं इसको रख देता हूँ मशीन को। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों जैसे कि पत्ती लगी हुई है, आप नीचे से देख सकते हैं, वो पत्ती वहाँ पे लगी हुई है। और ये पत्ती होता क्या है, नीचे देख लीजिए, सबसे आसान वहाँ नीचे रहेगा। तो वो पत्ती लगी हुई है, उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो बारसर यानी जो स्क्रू टाइट करने वाला, तो वो बना रहता है, ठीक है ना, वो वहाँ पे रहता है। तो इसमें आपको बाहर से लगाना रहता है, अंदर से लेकिन दोस्तों ये एक पत्ती होती है, इसको आपको दो स्क्रू या चार स्क्रू से आप इसको टाइट कर दीजिए। यहाँ पे भी लगा हुआ है, सामने भी लगा हुआ है, काफ़ी जगह पे जो है वो इसको मैंने लगवाया हुआ है। अभी बेसिकली ये 50% तैयार नहीं है कैबिनेट। और यहाँ पे इसको लगाने का तरीका वही है दोस्तों, ये जो होल होते हैं ये आपको बनाने पड़ते हैं। पहले तो आपको एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, उसके अंदर ऐसा होगा, उसके अंदर आपको दो होल करने पड़ेंगे क्योंकि बराबरी पे लगेगा, तो देखने में भी इजी यानी देखने में भी जो है वो काफ़ी खूबसूरत सा लगेगा। तो यहाँ पे ये आपने डालना है और ये एलेंकी बोल्ट होता है, ये एलेंकी वाली जो है वो बिट है इसमें। अभी मैं यहाँ पर लगाता हूँ और यहाँ पर मैं चालू करता हूँ, ये देखिए ये आ गया, ये टाइट हो गया। साइड का भी हम लगा लेते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इजी रहता है, इसका भी हम लगा के छुट्टी करते हैं। ये हो गया टाइट बिल्कुल। तो अब इससे क्या रहेगा दोस्तों, जो कैबिनेट की कसाहट है यानी जो कैबिनेट जॉइंट्स पे है, अब बेसिकली ये जॉइंट्स इतने मजबूत हो गए हैं, एक कह लीजिए लोहे के पत्ती पे ये कैबिनेट टिकी हुई, तो अब लोहा कितना मजबूत है, लकड़ी कितनी मजबूत है, आप सोच सकते हैं। चलिए ये तो कैबिनेट हो गया, और ये नहीं कहता हूँ मैं ये बेस्ट कैबिनेट है, इससे भी अच्छी अच्छी आती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपने इतना पैसा खर्च करा तो ये आपको क्वालिटी और मजबूती ज़रूर देगी। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आपका ये रहता था कि कैबिनेट में जैसे आप जो ये साइड में फॉर्म लगाते हैं हैंडल्स पे, बैक प्लेट पे, ग्रिल पे, तो उसको कैसे लगाया जाता है और इसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये हैंडल दिखाना चाहूँगा, ये हैंडल हम यूज़ करते हैं और ये कैबिनेट वाले खुद ही देते हैं, इसका कोई कॉस्ट आपको नहीं लगता है अगर आप कैबिनेट के साथ में ले रहे हैं, हैंडल का कोई कॉस्ट नहीं लगता, अगेन मैं बोल रहा हूँ। और दोस्तों यहीं पे ये जो हैंडल होता है, इफ़ एनी केस कि ये लूज़ हो जाता है, इसका स्क्रू जो है वो यहाँ पे ढीला पड़ जाता है, तो इसमें होता क्या है कि आपको हैंडल बजने की शिकायत आती है। तो इसके अंदर इसको सॉल्यूशन क्या है, अभी आप यहाँ पे ये फॉर्म दे सकते हैं, 2 mm की जो है वो फॉर्म शीट होती है ये, इसको जो है वो पेस्टिंग किया जाता है यहाँ पे, जो कि ऐसे एरिया होता है बैक प्लेट पे भी और यहाँ पे भी, तो ये लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हैंडल्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, हैंडल्स भी यहाँ पे लग चुके हैं, आती है बारी यहाँ पे बैक प्लेट की। तो ये हमारी बैक प्लेट हो जाती है सिंपल, 2 स्पीकर का यूज़ करा गया है। कनेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो वही है 1-1+ स्पीकर्स के अंदर भी आपको वही कनेक्शन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे चेंज करें तो स्पीकर में भी आप चेंज करें, इस बात का आपको ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये 2.5 mm की वायर का जो है वो यूज़ में मैं ले रहा हूँ इस बेस के स्पीकर के साथ में। बेसिकली अभी मैं यहाँ पे इसको वायर को डाल देता हूँ और ये 2 करके हमने बनाया हुआ, एक ये नीचे जाएगा हमारे दूसरे स्पीकर के लिए, एक जाएगा जो कि हमारे सामने वाले स्पीकर के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ इस टाइप से जो है वो फिट कर देता हूँ, ये फिट हो गया। अभी इसके अंदर जो बोल्ट्स यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि ये पेच होते हैं, ये गोल हेड वाले पेच होते हैं, इनको मैं इस यूज़ कर रहा हूँ। और सिंपल अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी दोस्तों जो फॉर्म वाला काम है, यहाँ पे जो साइड जो फॉर्म लगाते हैं वो भी हमने यहाँ पे लगा रखा है इसके अंदर भी, अगर आपने देखा हो गौर से। तो चलिए मैं इसको जो है वो टाइट कर देता हूँ फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पे बैक प्लेट का काम ये हो चुका है, देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कैबिनेट को सीधा करके इसके अंदर जो स्पीकर फिट होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको स्पीकर दिखाता हूँ कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्पीकर जो है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ATI Pro का 18 इंची PD1850 Platinum। अब दोस्तों यहाँ पे ये स्पीकर काफ़ी फेमस है रोड शो के बेस के, अगर आप रोड शो में देखेंगे ज़्यादातर, अगर आप ATI Pro के किसी भी मॉडल में जाएंगे तो यहाँ पे ये जो मॉडल है वो आपको लगा हुआ मिलेगा। रीज़न मैं आपको बता दूंगा इसका जब ओपन करूंगा, वो भी मैं बता दूंगा जब टेस्टिंग होगी, तब आप इसका जो है वो टेस्टिंग देखना। PD सीरीज़ में यूज़ कर रहा हूँ, ATI Pro की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं ये स्ट्रिप्स पे पैकिंग थोड़ी सी अभी ATI Pro ने और इम्प्रूव करा है, तो ये स्ट्रिप्स पे जो है वो ATI Pro की ब्रांडिंग रहेगा। और यहीं अगर मैं बात करूँ तो ये इसका जो है वो मॉडल नंबर हो जाता है PD1850 Platinum, क्वान्टिटी एक बॉक्स में एक रहता है। तकरीबन ग्रॉस वेट 23, नेट वेट यानी स्पीकर का ही सिर्फ वेट यहाँ पे 20 kg हो जाता है। ये डायमेंशंस मेंशन है, फोटो यहाँ पे लगी हुई है। चलिए मैं इसको फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम कट कर लेते हैं इसके स्ट्रिप्स को, जैसे कि मैंने बताया ATI Pro यहाँ पे मेंशन रहेगा। और इसके ऊपर एक ये पॉली बैग आपको मिल जाता है, पैकिंग आप गिन लीजिए एक एक करके, ये एक बॉक्स हुआ,
ये दूसरा बॉक्स हुआ और ये यहाँ पे ये कार्डबोर्ड हो गया, ये रखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ATI Pro में, तो पैकिंग को लेके रहता है। स्पीकर को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। और इसके बाद भी दोस्तों एक चीज़ दिखाने वाली, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे ये वेलकम कार्ड होता है, ये देख सकते हैं, ये वेलकम कार्ड होता है। इसके अंदर अपडेट, ये मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे रहेगी। थैंक यू फॉर परचेज, ये रहता है। नीचे फॉर्म का सीट रहता है, ये जेल हो जाती है। और स्पीकर को अगर मैं बात करता हूँ स्पीकर पे, तो स्पीकर पे दोस्तों आपको देखिए ATI Pro की जो है वो यहाँ पे पॉली बैग पे जो है वो आपको मेंशन देखने को मिलेगा। ये यहाँ से मैं इसकी पॉली बैग को भी जो है वो निकाल देता हूँ फटाफट से। ये आ जाता है दोस्तों हमारा स्पीकर। इसकी मैं डिटेल देता हूँ दोस्तों बिल्कुल करेक्ट करके, यानी डिटेल में चलते हैं इसकी बिल्कुल अंदर तक। तो दोस्तों ये हो जाती है कोन की क्वालिटी। और यहाँ पे आप ये कोन की क्वालिटी वो देख सकते हैं किस टाइप की जो है हमें कोन की क्वालिटी मिल जाती है। बात करता हूँ दोस्तों, तो ये हो जाती है डस्ट कैप। यहाँ पे ये चारकोल गम से सील करा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों इस फ्रेम में मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाता है एलन की बोल्ट प्लस यहाँ पे स्क्रू, यानी दोनों से आप टाइट कर सकते हैं। दोनों का अगर आप यूज़ करना चाहते हो दोनों का यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सजेशन इसके साथ में दूंगा कि आप इसके साथ में एलन की बोल्ट का यूज़ करें, इस बात का आपको ध्यान देना है। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो ये फ्रंट का लुक हो जाता है। पलटता हूँ मैं इसके बैक साइड पर, तो यहाँ पर काफ़ी भारी रहता है। और यहाँ पर इसको मैंने पलटा और ये एक आपको ATI Pro का जो है वो ब्रांड लोगो, यानी ये जो है वो लोगो आपको मिल जाता है। आप अपनी कैबिनेट पे जो है वो इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना, काफ़ी चमकता हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ATI Pro की आपको ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाती है। PD1850 प्लेटिनम हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी मेंशन है इसका। वॉइस कॉल साइज़ 5 इंची रहता है। और मैग्नेट भी आपको यहाँ पे पूरा के पूरी डिटेल जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो कि चीज़ देखने वाली है दोस्तों वो ये है कि आप मैग्नेट में कट दे सकते हैं। यहाँ पे ये टोटल आप मैग्नेट दे सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 मैग्नेट हो जाती है। अब 4 मैग्नेट का देखने का मतलब ये है कि इतना बड़ा साइज का अगर आप मैग्नेट लगाते हैं तो वहाँ पे एक क्रैकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। हीट पे जो है वो मैग्नेट अपनी जगह छोड़ रहा है, तो उसी को यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हुए ये 4 मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। ये जो ऊपर है ये दोस्तों प्लैटिनम होता है, यानी क्रोम जो होता है क्रोम करा जाता है टी यॉर्क पे बेसिकली। और ये एल बोल्ट से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एल बोल्ट जो है वो यहाँ पे मेंशन रहता है। ये एल बोल्ट से जो है वो टाइट करा जाता है। ये वेंटिलेशन दे रखे हैं यहाँ पे, अब अगर आप देख सकते हैं ये ड्यूल फोर्स हाइपरवेंटिंग सिस्टम, यानी ये हीट सिंक भी इसके अंदर लगा रखी है जहाँ तक मुझे देखने को मिल रहा है। बात करता हूँ ये हो जाता है इसके टर्मिनल सॉकेट्स। और काफ़ी थिकनेस जो है वो आप इसकी देख सकते हैं, मेरे को थिकनेस जो है वो ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओवरऑल ये फिनिशिंग हो जाती है, ये मेटल का रखा गया है। और ये ATI Pro यहाँ पे भी मेंशन रहता है। और ये देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा पलट देता हूँ ताकि आपको जो है वो स्पाइडर में आपको दिखा सकूँ। एक तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये भारी स्पीकर हो जाता है यहाँ पे, इसको मैंने पलटा। पलटने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको 2 स्पाइडर का यूज़ में देखने को मिलता है। एक तो ये स्पाइडर लगा है और एक यहाँ नीचे आ जाता है, ये 2 स्पाइडर होता है। और यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये देखिए ये जो होल है, ये देखिए इसके अंदर से आपको स्पाइडर दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना, ये आप देख लीजिए। ये 2 स्पाइडर का जो है वो यूज़ करा जाता है बेसिकली रिंग रख के इसके ऊपर एलन की बोल्ट से। ये आप देख सकते हैं ये जो एलन की बोल्ट है इससे टाइट कर दिया जाता है इसको। बाकी ये टर्मिनल सॉकेट हो जाता है। ओवरऑल आपको दिखा चुका हूँ मैं ये स्पीकर की क्वालिटी कैसी लगी, ज़रूर नीचे कमेंट बताना। चलिए पहले मैं इसका जो माप है यानी एलन की बोल्ट्स के लिए जो माप है वो हम कैबिनेट में ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एलन की बोल्ट का माप लेने का, तो यहाँ पर आपको स्पीकर कुछ इस टाइप से रखना है और एक स्क्रू को यहाँ पर टाइट कर लेना है ताकि ये अपनी जगह से इधर उधर ना हिले, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने माप जो है वो ले लिया है, ये देख सकते हैं ये जो आपको छेद यानी ये जो हल्का हल्का सा निशान दिख रहा है ये माप हमने ले लिया है। तो सेम मैं इसमें करके और इसको निकालने के बाद जो कि होल होगा वो कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एलंकी के लिए जो कि होल्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे प्रॉपर हमने दोनों साइड पर कर चुके हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरे होल जो हो चुके हैं। अभी क्या बचता है कि दोस्तों इसके अंदर हमें लगाना है इसके नीचे के जो पेचेज हैं बेसिकली, ये जो पकड़ बनाते हैं इनको लगाना है। ये काफ़ी शार्प होते हैं, इसको हमें यहाँ पे लगाना है। लगाने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो बोल्ट होता है इसके अंदर आपको एक बार्सल लगा लेना है ये वाले बोल्ट में, ठीक है ना। यहाँ पे बार्सल लगाने के बाद आपने करना है क्या कि आपको इसमें ये डाल देना है, ठीक है ना। अभी नीचे जो स्क्रू लगाना है उसको नीचे पकड़ना है और कोशिश करिए कि मशीन का आप यूज़ करें तो जल्दी काम हो जाएगा आपका। और ये मैं यहाँ पे टाइट करता हूँ और ये लग चुका है। अभी इससे क्या रहेगा कि इससे पकड़ रहेगी और यहाँ पे ये लगा के छुट्टी हो चुका है। ऐसे ही मैं बाकी को लगा के उसके बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एलन की बोल्ट्स का जो है वो काम हो चुका है। ओवरऑल ये पूरे के पूरे यहाँ पे भी लग चुके हैं,
ठीक है ना, ये हो चुका है। वायरिंग जो है वो हमारी दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे करी हुई है वायरिंग, तो ये जो है वो वायरिंग हो जाती है। ये एक जो पीस है यहाँ पे, एक जो पीस है वायर का वो उस साइड जा रहा है, जो कि आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे निकाल के ये आ जाता है हमारा एक पीस, ये वायर आ जाती है जो कि इस वाले स्पीकर के लिए, यहाँ हो जाती है। 2.5 mm की वायर यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और अंदर का काम आप देख सकते हैं, सफाई कर चुका हूँ मैं इसको। और ओवरऑल अगर हमारा बसता है यहाँ पे स्पीकर, तो ये स्पीकर मैं यहाँ पे रख के फिट करता हूँ। स्पीकर ले आओ एक बारी, और यहाँ पे स्पीकर अभी हम रखवाते हैं। अंदर डाल दे, ऐसे ऐसे अंदर डालना है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से अंदर डाल रहा हूँ मैं स्पीकर को, और थोड़ा सा ऊपर करके, हाँ ठीक है, सॉकेट और थोड़ा सा नीचे करा रही हूँ यहाँ से। हाँ सॉकेट दबा दो एक। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, मैं एक बारी फोकस कर देता हूँ, ये हम प्लस में डाल देते हैं, ये आ गया प्लस में दोस्तों। पीछे से वायर हमने मोड़ दी है इसकी, ठीक है ना। अभी हम माइनस का भी डाल लेते हैं, और ये हमारा गया माइनस में, इसको भी पीछे से हल्का सा मोड़ देते हैं। ओवरऑल ये हो जाता है। अभी हम स्पीकर को बैठा लेते हैं, रख दो स्पीकर को, और ये स्पीकर को हमने बिल्कुल एक बारी हल्का सा घुमा दे, ताकि वायर जो है वो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा मिल जाए। बस 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 यहीं पे। और एक एलिंग के बोल्ट मैं लगा देता हूँ फटाक से, ना उठा दे, सही है ऐसे, ये हो गया छोड़। तो ओवरऑल ये एक स्पीकर हो गया दोस्तों। हमारा दूसरा स्पीकर का जो वायर है वो हम यहाँ से ले लेते हैं। ये आ गया हमारी दूसरे स्पीकर वायर, यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ स्पीकर में, इस वाले अंदर के वाले वायर में ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ये मोटे वायर है तो वाइब्रेट भी कर सकता है। वाइब्रेट कम करने के लिए, यानी जो अलग सी साउंड आए उसको कम करने के लिए, हमने साइड में तो यहाँ पे फॉर्म भी लगा रखा है, बट वायर को आपको ध्यान देना है कि इतनी भी ज़्यादा ना लगा दे कि ये वाइब्रेट करे, ये अलग से अननोन से साउंड निकाले। तो इसको भी जो फिट है यानी स्पीकर लगा के उसके बाद मैं मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बेस यहाँ पे फिट करके दिखाया था, ओवरऑल सारी चीज़ें डिटेल में लेके गया था, लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग भी डिटेल में लेके जा रहा हूँ। टोटल मैंने यहाँ पे 4 बेसों को तैयार करा था, अभी आप देख सकते हैं 4 बेस यहाँ पे लगा चुका हूँ। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, मैंने यहाँ पे बेस को जैसे ही करा, मैं भी आपको सभी को यही बोलता हूँ, यहाँ पे कवर या फिर फ्लैट केस जरूर आप ऐड कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ में कवर ऐड कर दिया है, अभी फिलहाल मैं बेस में ग्रिल व्रिल लगा के भी बढ़िया से इसको फिट कर दिया है। तीनों यानी चारों में जो है बेसिकली हमारी PD1850 ADI Pro की, और इस स्पीकर को जाना जाता है यहाँ पे बढ़िया बेस के लिए, कंपटीशन के लिए। तो ये भी जो सिस्टम है वो कंपटीशन के लिए ही जाने वाला है। फिलहाल मैं भी इसके साथ में जो है वो 2 टॉप दे रहा हूँ, तो ये 2 टॉप हैं। और यहीं अगर मैं बात करता हूँ कि एम्पलीफायर, तो वहाँ पे हमारे 2 1601 यहाँ पे लगे हुए, और एक यहाँ पे C12 लगा हुआ है इनको चलाने के लिए। फिलहाल में वायरिंग सिंपल वही है कि एक चैनल पे एक बेस गई है, दूसरे चैनल पे दूसरी बेस गई है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी लोगों से मुझे यहाँ पे पता करना पड़ा कि कैसा रिस्पॉन्स है इसके मिक्स में। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ इस एम्पलीफायर के साथ में, तो रिस्पॉन्स के वाइज बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छा यहाँ पे लोगों से जो है वो फीडबैक मिला इसको लेके। और वही चेक करने को मैं यहाँ पे इतना पूरा देख लीजिए, पूरा खुला एरिया है ये, आप पूरा देख लीजिए, खुला एरिया है, पूरा मैदान है। मैं यहाँ पे इसको चेक करने के लिए लेके आऊँ, और अभी हम इसको करते हैं चेक। चलिए यहाँ पे जो कि टेस्टिंग है वो आप देख लीजिए, और कोशिश करूँगा मैं थोड़ा दूर से आपको इसकी जो आउटपुट।
तो दोस्तों कैसी लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। दोस्तों यहाँ पे मैं वापस अपनी जगह पे आ चुका हूँ टेस्टिंग वाले एरिया से, और यहाँ पे आपको और भी ऐसी टेस्टिंग मिलती रहेगी सेम लोकेशन पे लेकिन ओपन एरिया पे। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको एक बेहतर यहाँ पे टेस्टिंग दे पाऊँ। बाकी दोस्तों आपके दिमाग में अभी तक मैं तो होगा कि ये ओपन एरिया में ATI Pro के स्पीकर ऐसे नहीं चलते होंगे, खत्म कर चुका हूँ। यहाँ पे PD1850 बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्पीकर यही है अभी तक ATI Pro में। ATI Pro का ये स्पीकर को मैं बिल्कुल से बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इस स्पीकर को ये नहीं है कि मैंने बस आज आपको डाल के दे दिया है। कस्टमर का रिव्यू अच्छा है इसके लेके, जो लोग मेरे भाई लोग इस स्पीकर को यूज़ कर रहे हैं वाकई में नीचे जेन्युइनली कमेंट बताना, कोई भी वैसा नहीं है। और यहाँ पे मैं इस स्पीकर के साथ में यानी इस बेस के साथ में मैं एक कस्टमर रिव्यू भी लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, जो कि आपको जेन्युइनली होगा, उसके अंदर कोई भी मिक्स नहीं होगा। मैं नहीं जाऊँगा, कस्टमर खुद अपने हिसाब से वीडियो शूट करके देगा, डालेंगे। लेकिन ये बेस जा रही है दोस्तों हमारे गोरखपुर, और वहाँ पे कंपटीशन वाला सिस्टम है बेसिकली। अभी तो बहुत ही छोटा सिस्टम है ये, जो कि आपको अभी आगे वीडियोस में देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा जो है वो मटेरियल मैंने इसके में तैयार करा है, ATI Pro के काफ़ी सारे मटेरियल्स तैयार करें। ओवरऑल बात करता हूँ, PD1850 स्पीकर आपको पीस परचेज करना हो, कस्टमर केयर नंबर मैं ATI Pro का दे रहा हूँ। कंप्लीट बेस परचेज करना हो तो आप मुझसे भी परचेज कर सकते हैं, कंपनी भी दे देगी। लेकिन कोशिश करिए कि आपको अगर इस टाइप की फिटिंग है, मेरी टाइप की फिटिंग चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ किसी और एक अच्छी वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।